एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू लॉ वाला यूट्यूब चैनल, जहां पे आज हम डीजेएस दैट इज दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में आने वाला एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज लिमिटेशन एक्ट को कवर करने वाले हैं। अब तक के अगर लिमिटेशन एक्ट के पीवाईक्यूज को देखें स्टूडेंट्स, तो लगभग लगभग हम हर साल 10 से 15 क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो 2019 से जो लिमिटेशन एक्ट का पेपर आने लगा है, उसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछी जा रही है। दे आर क्रिएटिंग अ सिचुएशन, यहाँ पे एक फैक्ट बेस्ड आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, देन यू हैव टू अप्लाई द लिमिटेशन एक्ट प्रिंसिपल्स एंड फाइंड आउट योर आंसर्स। एक मुद्दा हुआ ये। दूसरा मुद्दा हुआ कि जनरल प्रोविजन से तो क्वेश्चन आता है, तो यू डोंट फाइंड रियली दैट मच डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, बट द डिफिकल्टी लाइज इन सॉल्विंग अ क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन द आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स इतने सारे हैं कि उनको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट डू नॉट वरी, हम कोशिश करेंगे कि हम एक ट्रिक डेवलप करें जिसकी मदद से मैक्सिमम जो आर्टिकल्स हैं आपको वन गो में याद हो जाए। सो विद दैट हम लोग पीवाईक्यूज को भी देखेंगे कि कहां कहां से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, और वो क्वेश्चंस के सेक्शंस प्लस उन क्वेश्चंस के जो सेक्शंस के आसपास के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी डील करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद द सेशन एंड सी कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चन आए गए हैं। और मैं फिर से बता दूं स्टूडेंट्स, जब लिमिटेशन एक्ट की बात होती है तो लिमिटेशन एक्ट से डरना नहीं है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जो कि बहुत स्कोरिंग भी रहता है अगर आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो। अब देखो, लिमिटेशन एक्ट के क्वेश्चन शुरू करने से पहले, पीवाईक्यूज को एनालाइज करने से पहले, जो मेरा यहाँ पे मकसद है वो ये है कि पहले मैं आपको यहाँ का जो स्केड्यूल है, स्केड्यूल में किस तरीके से आपको स्केड्यूल याद रखना है, उसका एक थोड़ा सा ट्रिक जरूर शेयर कर दूं। लिमिटेशन एक्ट का अगर स्केड्यूल देखिए स्टूडेंट्स हम, तो इस स्केड्यूल में हमारे पास 3 डिविजन्स हैं, या मैं कह सकती हूँ कि वी हैव 3 पार्ट्स। कितना है? वी हैव 3 पार्ट्स। अब इन 3 पार्ट्स में फर्स्ट डिविजन में अगर देखें तो इट डील्स विद द सूट्स। किसके बारे में डील करता है? सूट्स। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, स्केड्यूल में आपको तीनों चीजें दे रखी है, सूट, डिविजन, सॉरी सूट, अपील एंड एप्लीकेशन। बट व्हेन इट कम्स टू योर प्रोविजंस, तो प्रोविजंस में आपको सारे लिमिटेशन पीरियड में सूट, अपील या एप्लीकेशन पे अप्लाई नहीं होता है। देयर ओनली सिलेक्टिव सेक्शंस व्हिच अप्लाई टू ऑल दीस 3 थिंग्स। देयर आर सर्टेन सिलेक्टेड सेक्शंस व्हिच डील्स ओनली एंड ओनली विद द सूट, देयर आर सर्टेन व्हिच डील्स ओनली एंड ओनली विद द एप्लीकेशन। तो इट इज आवर ड्यूटी टू मेक अ चार्ट, आपको ये चार्ट डेवलप करना है जिसमें सेक्शन नंबर लिखे और ये देखे कि किस पे अप्लाई होता है किस पे अप्लाई नहीं होता है। तो फर्स्ट डिविजन में आर्टिकल 1 से लेके 113 डील्स विद योर सूट्स, 114 से लेके 117 डील करता है अपील से, एंड 118 से लेके 137 डील करता है हमारा एप्लीकेशन से। अगर इतना क्लियर हो गया तो हम सूट्स के आगे बाइफोकेशंस देखेंगे। प्रॉब्लम कहाँ लाई करती है? अपील एंड एप्लीकेशन। डू नॉट वरी, अपील एंड एप्लीकेशन के कुछ 3 टाइम लिमिट ही दे रखे हैं, 30 डेज 60 डेज 90 डेज। 30 डेज, 90 डेज, 60 डेज के नीचे अगर हम ये देख लें कि किन किन चीजों पे अप्लाई होता है तो थोड़ा इजी बन जाएगा। लेकिन पहले सूट्स डील करेंगे स्टूडेंट्स। अगर सूट्स को देखोगे तो सूट्स आर फाइल फॉर वेरियस रीजंस। ये अकाउंट्स हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, डिक्लेरेटरी डिक्री हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, सॉरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन सब के रिगार्डिंग अगर सूट फाइल करना है तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन दे रखा है 3 ईयर्स, स्टैंडर्ड मैक्सिमम 3 ईयर्स आपको सब जगह देखने को मिलेगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के फोर क्लोजर एंड रिडेम्पशन के लिए हमको टाइम कितना दे रखा है? इट इज 30 ईयर्स। अगर हम पोजेशन की बात करें, इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन की बात करें तो कितना दे रखा है स्टूडेंट्स? 12 ईयर्स। जिधर वर्ड आपको मॉर्गेज से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट दिखे, चाहे वो रिडेम्पशन है या फोरक्लोजर, इट इज 30 डेज। पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 12 ईयर्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात करें तो टॉर्ट्स के लिए अगर आपको सूट फाइल करनी है जहां पे सिविल रॉन्ग माना जा रहा है, जहां पे सिविल एक्शन लेके आ रहे हो, जनरली 1 ईयर है, बट दे आर सर्टन सिलेक्टिव आइटम्स जिसमें 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स दे रखा है। अगर ट्रस्ट कर रखा है प्रॉपर्टी का और प्रॉपर्टी मूवेबल है, 3 ईयर्स। अगर ट्रस्ट कर रखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, देन इट इज 12 ईयर्स। अगर कोई भी ऐसी सूट है वेयर देर इज नो लिमिटेशन पीरियड गिवन, देर कैन बी एन नंबर ऑफ सूट जिसका कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं दे रखा है, तो बाई डिफॉल्ट उन्होंने बोला 3 ईयर्स रहने वाला है। कितना रहेगा स्टूडेंट्स? इट इज गोइंग टू बी 3 ईयर्स। आई होप ये आपको अच्छे से विजिबल होगा। ओके, चलो जी आगे चलेंगे। दैट इज सेकेंड डिविजन पढ़ेंगे विच डील्स विद द अपील्स। अपील्स में एक चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, हम बोल रहे हैं कि 30 डेज 60 डेज एंड 90 डेज में आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जहां हम ये बोल रहे हैं कि 30 डेज, तो 30 डेज में ये ध्यान रखो अपील होगी कहां से।
तो सीआरपीसी एंड सीपीसी दो मुद्दे याद रखने, जब हम बोलते हैं हम सीआरपीसी सीपीसी में अपील कितने दिन में करनी है कितने दिन में नहीं करनी, तो सिंपल सा है, हमें लिमिटेशन एक्ट पे आना है। तो फर्स्ट हम डील कर रहे हैं 30 डेज में, आप कितने 30 डेज का अगर मामला दे रखा है स्टूडेंट्स आपको, तो 30 डेज में क्या क्या आएगा। 114B के अकॉर्डिंग अपील फ्रॉम ऑर्डर ऑफ इक्विटल, 417 के सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी में जब इक्विटल हो रहा है तो वहां से आप अपील कीजिए विद इन 30 डेज। 115A क्या बोल रहा है, सीआरपीसी के तहत अगर आपको डेथ सेंटेंस दिया गया है बाय कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट, किसके द्वारा दिया गया है, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट के द्वारा डेथ सेंटेंस दिया गया है, तो उसकी अपील कितने दिन में फाइल करनी है, विद इन 30 डेज। नेक्स्ट इज 115B जो बोल रहा है एनी अदर सेंटेंस या ऑर्डर नॉट बीइंग ऑर्डर ऑफ इक्विटल, और कोई भी सेंटेंस है या ऑर्डर है जो कि इक्विटल का ऑर्डर नहीं है, देन इन दैट केस कितना है यहाँ पे टाइम पीरियड, 30 डेज। 116B जो बोल रहा है दैट एनी अदर सेंटेंस, अगर हाई कोर्ट का दैट इज टू से हमें किसी भी अदर सेंटेंस से अगर हाई कोर्ट में जाना है तो देर इज ऑल्सो 30 डेज। 117 बोल रहा है टू एनी अदर कोर्ट फ्रॉम डिक्री और ऑर्डर, कोई भी डिक्री या ऑर्डर से आपको किसी और कोर्ट में जाना है, टू एनी अदर कोर्ट, अच्छे से देखो यहाँ पे क्या बोला टू हाई कोर्ट, यहाँ क्या बोला एनी अदर कोर्ट, 117 के तहत इट इज 30 डेज। नेक्स्ट इज 60 डेज, 60 डेज में अगर आपको अपील फाइल करनी तो कौन से मुद्दे से, इट सेज 115B एक ही ऑप्शन दे रखा है आपको, पॉइंट नंबर वन फ्रॉम एनी अदर सेंटेंस ऑन ऑर्डर नॉट बीइंग एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल टू हाई कोर्ट, क्या बोला नॉट बीइंग एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल टू हाई कोर्ट, क्लियर है ये चीज। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं एनी अदर कोर्ट के पास जा रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि हम हाई कोर्ट के पास जा रहे हैं। 90 डेज में आपको अपील कहाँ कहाँ फाइल करनी है, 114A says appeal from order of acquittal under 417 का subsection 1 और subsection 2, और यहाँ पे subsection 3 है students, subsection 3 means 30 days, 3 से 30 days, 90 days किसमें subsection 1 और subsection 2, 116 का clause A अगर देखोगे तो CPC में to any other court from any decree or order, आपको किसी भी और court के पास जाना है तो यहाँ क्या बोला any other sentence to high court, ये बोल रहा है to any other court from any decree or एनी ऑर्डर, तो इस तरीके से आप अपील्स याद कर सकते हैं एंड देन वी विल गो फॉर एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में कोई दिक्कत की बात नहीं है, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, बस आपको यहाँ पे कुछ की वर्ड सिलेक्ट करने हैं, जैसे 30 डेज आपको एप्लीकेशन अगर फाइल करनी है तो 30 डेज कितना कहाँ से, तो 30 डेज आपको तब दिए होंगे एप्लीकेशन फाइल करने के लिए जब वहां पे आर्बिट्रेशन एक्ट का कोई अवार्ड है, रिस्टोर करना है कोई सूट अपील या एप्लीकेशन है तो। सो मूविंग फॉरवर्ड जब हम बात कर रहे हैं 30 डेज की, तो आगे देखो जब हमने बोला कि सूट है अपील है या एप्लीकेशन है इसको रिस्टोर करने के लिए एप्लीकेशन आपको 30 डेज में देनी है। सेट असाइड एक्स पार्टे डिग्री, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि अगर एक्स पार्टे डिग्री को आपको सेट असाइड करना है तो एप्लीकेशन कितने दिन में फाइल करना है, 30 डेज में। रिव्यू ऑफ जजमेंट, जजमेंट को रिव्यू, देखो वर्ड्स कैच करो, रिव्यू हो गया है, सेट असाइड हो गया है, रिस्टोर हो गया है, आर्बिट्रेशन एक्ट हो गया है, सब में 30 डेज। जजमेंट को एडजस्ट करना है फॉर द सैटिस्फेक्शन ऑफ सैटिस्फिकेशन ऑफ डिग्री, तो यहाँ पे 30 डेज। पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिग्री बाय इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 30 डेज का आपको एप्लीकेशन फाइल करना है। फॉर पोजेशन व्हेन डिस्पोज्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, 30 डेज। लीव टू अपील, टू अपील एज पॉपर टू अदर देन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा, देखना स्टूडेंट्स अभी एक और चीज हम डिस्कस करने वाले पॉपर के मामले में, लीव टू अपील एज पॉपर टू अदर देन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा अगर आपको फाइल करना है तो ये हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स अदर देन में 30 डेज, ध्यान रखना यहीं से बारीकियां होती है। और ये पॉइंट देखो इट से 60 डेज, अगर आपको अपील टू हाई कोर्ट करनी है टू फाइल अ सूट एज अ पॉपर तो 60 डेज, अदर देन हाई कोर्ट में अगर अपील करना है तो इट इज 30 डेज। अब देखो 60 डेज में और क्या है, अबेटमेंट करना है, अबेटमेंट जो है उसको सेट असाइड करवाना है 60 डेज। सेट असाइड अ सेल इन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन में अगर कोई सेल हुआ है तो दैट इज आल्सो 60 डेज। सुप्रीम कोर्ट फॉर स्पेशल लीव टू अपील इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस, एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को किस चीज के लिए, वी आर अपीलिंग इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस और वेयर द अपील इज रिफ्यूज बाय हाई कोर्ट, भैया डेथ सेंटेंस मिल गया हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं इसको सेट असाइड करवाने के लिए, then in that case application file कहाँ करनी है, Supreme Court को करनी है within 60 days, clear है? To High Court for certificate of fitness to appeal to Supreme Court
under Article 132, 133, 134. You want to go to Supreme Court, but you want the certificate from High Court, then you have to file an application within 60 days. 90 days किसके किसके लिए है? To have a legal representative on record. Legal representative को record पर लाने के लिए within 90 days file an application. To any court for exercise of its power of revision under CPC and CRPC. CPC और CRPC के revision powers exercise करने के लिए 90 days. To Supreme Court for special leave to appeal in other cases. Supreme Court के पास जाना है तो हमें appeal file करनी है. Appeal के लिए मतलब leave का मतलब क्या होता है students? Permission. क्या होता है? It means permission. Then it is 90 days. ठीक है? बाकी और सारी चीजें देखो, ये कुछ special type of time period दे रखा है. क्या दे रखा है? Special type of time period है जो बोल रहा है, आप application file कीजिए within 10 days. If the you want a leave to appear and defend a suit under summary procedure. Summary procedure student, तो जाहिर सी बात है कि सबसे कम time लेगा ये, तो उसमें 10 days के अंदर अंदर आपको application file करनी है. Next is 1 year for delivery of possession by purchaser of immovable property at a sale in execution of decree. अगर आपको execution of decree में कोई sale करवाना है, then in that case delivery आपको possession भी तो देना पड़ेगा ना purchaser को. Then in that case वो application कितने दिन में file करेगा students? 1 year. अगर कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन दे ही नहीं रखा है तो 137 बोलता है कि मैं भी 3 ईयर ही बोलूंगा, जिस तरीके से 113 बोलता है. एंड 136 सेज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट. अगर हमें कोई डिक्री को एग्जीक्यूट करवाना है या कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाना स्टूडेंट्स, इट इज 12 ईयर्स. रिमेंबर 12 ईयर्स, 3 ईयर्स, 1 ईयर एंड 10 डेज से बहुत बार क्वेश्चन आए, इसलिए हमने इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है. सो आई होप ये जो टाइम पीरियड मैंने दे रखा है वो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा. और इसके अकॉर्डिंगली अगर आपको और कोई बेहतरीन कन्वीनियंट तरीका लगता है जिससे कि आप इस टाइम लिमिट को याद कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप वो भी अपना सकते हैं. ठीक है, चलिए जी. सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस. अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स वन बाय वन पढ़ना है, और इसका सिर्फ आंसर ही नहीं, हमें ये भी देखना है कि इसका कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमें यहाँ पे रिवाइज करना है. चलो जी. सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट सेक्शन नंबर 25 ऑफ लिमिटेशन एक्ट Does not apply to, किस पे apply नहीं करता है students? मैंने पहले ही बोला है application, non-application अच्छे से पता होना चाहिए. It says suits, execution petition under order number 21 और petition for divorce under Hindu Marriage Act. जब बात कर लिया petition तो itself means कि इस पर भी apply नहीं होगा. So it is all of these. देखो students, question number, section number 5 clear cut बोलता है कि मैं कहाँ apply होगा कहाँ apply नहीं होगा. सेक्शन नंबर 5 पर भी चलेंगे, लेकिन एक बार लिमिटेशन एक्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जहां पार्ट 1 आपका प्रिलिमिनरी से डील करता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट, शॉर्ट टाइटल हो गया, ये सब बताता है, साथ ही साथ आपको डेफिनेशंस बताता है. पार्ट 2 किससे डील करता है? सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशन, राइट. सेक्शन नंबर 3 to 11 जनरल प्रोविजंस देते हैं आपका. पार्ट नंबर 3 दैट इज सेक्शन नंबर 12 to 24 बोलता है कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन. लिमिटेशन पीरियड कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना है, कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड योर एग्जैक्ट पीरियड, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, इसका डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए. 2J. देन इज पार्ट नंबर 4 एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन. हम एक्विजिशन कर रहे हैं ओनरशिप का किसके थ्रू स्टूडेंट्स? पोजेशन के थ्रू. दैट इज सेक्शन नंबर 25 to 27 एंड मिसलेनियस है जो सेविंग क्लॉज के बारे में बता रहा है, एप्लीकेशन नॉन एप्लीकेशन या कंटिन्यूइंग चीजों के बारे में बता रहा है. बिकॉज लिमिटेशन एक्ट, इस पर्टिकुलर लिमिटेशन एक्ट से पहले, दैट इज 1963 से पहले हमारे पास लिमिटेशन एक्ट और भी हुआ करते थे जिसके रिपीलिंग के या इफेक्ट के बारे में बताता है. क्लियर है चीज? तो देखो सेक्शन नंबर जो हमारा 5 पूछा गया था स्टूडेंट्स, वो कहाँ अप्लाई नहीं होता है. देखो क्या बोला है, कंडोनेशन ऑफ डीले. किसकी बात कर रहा है सेक्शन नंबर 5? कंडोनेशन ऑफ डिले, दैट इज डिले कैन बी कंडोन. आई कैन से दैट जो टाइम पीरियड आपको दे रखा था, उस टाइम पीरियड में आपने जो भी चीज आपको फाइल करने को बोली थी वो आपने फाइल नहीं की. स्पेसिफिकली अपील एंड एप्लीकेशन पे फाइल अप्लाई करता है, तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आपका डिले कंडोन होगा क्या? लिमिटेशन एक्ट इटसेल्फ सेज कि जब हमने टाइम पीरियड दे रखा है तो प्लीज फाइल इट विद इन दैट टाइम पीरियड ना. इफ यू कैन नॉट फाइल विद इन दैट टाइम पीरियड देन नो अदर रेमेडीज देयर. बट सेक्शन नंबर 5 कम्स ओवर हियर एंड गिव्स देम रिलीफ व्हिच सेज एक्सटेंशन इन सर्टेन केसेस. कुछ केसेस में हम आपका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर देंगे, वो अपील या एप्लीकेशन, एक्सेप्ट सूट एंड एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर नंबर 21 जो कि एग्जीक्यूशन के बारे में बात कर रहा है. मे बी एडमिटेड आफ्टर प्रिस्क्राइब पीरियड. Prescribed period के बाद भी हो सकता है, provided that you follow certain things. That is, you have to show a sufficient cause, which means that you have to show that you were misled.
ऑर्डर प्रैक्टिस या जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, इन चीजों की वजह से आप मिसलीड हो चुके थे। क्लियर है चीज? ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहां हमने सेक्शन नंबर 5 को रिवाइज किया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब देखना स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है और आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस है। कौन से क्वेश्चन है? डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे अगर मगर किंतु परंतु नहीं चलेगा, बिकॉज आता है तो आता है क्वेश्चन, नहीं आता है तो नहीं आता है। रीजन बीइंग ये फैक्चुअल चीज है। देखो, इन केस ऑफ सूट ऑफ प्रॉपर्टी विच द प्लेंटिफ हैज कन्वेड व्हाइल ही वाज इनसेन, द टाइम फ्रॉम विच द पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 years under 102 begins to run is, कब से start होगा? When the plaintiff is restored to sanity, the date of the property was conveyed, when the plaintiff has knowledge of conveyance, कब से start होगा students? ये time period both B and C, ये दोनों ही चीजें हमारे 102 में दे रखी है, that is both B and C. तो स्टूडेंट, जब मैं आर्टिकल की बात करती हूँ तो इट इज नॉट जस्ट द आर्टिकल नंबर दैट यू हैव टू रिमेम्बर, इट इज नॉट जस्ट द टाइम पीरियड दैट यू हैव टू रिमेम्बर, बट ऑल्सो ये टाइम पीरियड कमेंस कब से होगा ये भी। अब इसको इतना भी आपको इन डेप्थ याद करने की जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है वो याद रखो, जो लॉजिकली आपको सही लगते हैं, जो प्रैक्टिकली ऑब्वियसली आपको सही जो है प्रतीत होते हैं उनमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जो आपको लग रहा है कि ये कुछ हटके चीज है और शायद अगर ये आया तो मैं सॉल्व नहीं कर पाता, वो चीज आप जरूर याद रखिए। सूट टू सेट असाइड, क्या बोला? सूट टू सेट असाइड अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेड बाय अ गार्डियन ऑफ वार्ड बाय द वार्ड हु हैज अटेंड मेजोरिटी कैन बी फाइल्ड विद इन 3 years, इन्होंने खुद बोला, आर्टिकल नंबर 60 में बोल रखा है। फ्रॉम व्हेन, ये पीरियड स्टार्ट कब से होगा? ये पीरियड स्टार्ट कब से होगा? When the transfer property was made, when the person in possession is served notice, or when the ward attained the maturity. Obviously, when the ward attains the majority, property transfer किसके द्वारा की गई है? Ward of the guardian of the ward by the ward who has attained the majority. अब वो set aside कौन करा रहा है? वो ward करा रहा है जब वो छोटा था तो उसके guardian ने ये property transfer कर दी थी। It can be filed within 3 years. 3 years कब से? जब वो major होगा तब से, है ना? और क्या, मान लो नोटिस सर्व हो गया या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई लेकिन अभी भी वो माइनर है तो नहीं हो पाएगा। तो ये लॉजिक लगा के खुद बोलता है कि मेजॉरिटी पे वो आ जाएंगे तभी हम ऐसी सूट फाइल कर पाएंगे, राइट? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है। इट सेज इन केस ऑफ सूट बाय अ पर्सन एक्सक्लूडेड फ्रॉम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी टू एनफोर्स अ राइट टू शेयर, वो राइट टू शेयर एनफोर्स करना चाहता है, द टाइम फ्रॉम विच द पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर आर्टिकल 12 years under Article 110 of the Schedule of the Limitation Act begins to run is. Time limit कब से शुरू होगा? The time from which the period of limitation, जो कि 12 years दे रखा है, ठीक है, family property है, कब से start होगा? From the date of exclusion, when the exclusion becomes known to the plaintiff, जब exclusion के बारे में plaintiff को पता चले, when the plaintiff makes known his intention to recover the possession. Or the date of refusal to hand over possession to the plaintiff. कब से होगा students? Obviously बात है, उस person को exclude कर देना joint family property से, तो जिस दिन उसको पता चलेगा, अरे मुझे joint family property से remove कर दिया, exclude कर दिया, so option number B is absolutely correct. मैं फिर से बोल रही हूँ, article number, duration and commencement of period, सब के सब पता होना जरूरी है। चलो जी, आ जाते हैं appeals के ऊपर। क्या बोला? Period of limitation for preferring an appeal from a decree passed by a subordinate court to the high court from the date of decree is, कितना है? 60 days, पढ़ा था ना students हमने, 30, 60 and 90 days, clear? Sorry, it is 90 days, 90, not 60, it is 90, पहले हमने पढ़ा 30, 60 and 90, तो जब भी subordinate court से high court जाना है आपको, your appeal time period is how much? It is 90 days, clear है? Moving on to next question students, okay, अब देखो, सेक्शन नंबर 21, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग अ न्यू डिफेंडेंट और प्लेंटिफ ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई इन विच ऑफ द केसेस। इफेक्ट बताया इन्होंने कि इसका इफेक्ट क्या होगा और कब से हम बोलेंगे दैट पर्टिकुलर सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड, अगर आप पार्टी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, प्लेंटिफ डिफेंडेंट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं या एड कर रहे हैं। इट सेज एडिशन ऑफ न्यू डिफेंडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू प्लेंटिफ फॉर द फर्स्ट टाइम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टीज और एडिशन ऑफ अ न्यू प्लेंटिफ फॉर द फर्स्ट टाइम,
कब से होता है स्टूडेंट्स, ये इन्होंने बोला कहाँ में अप्लाई नहीं होता, तो जाहिर सी बात है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टीज पे अप्लाई नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या बेटा, प्लेंटिफ को डिफेंडेंट बना दे, डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बना दिया, दिस इज नॉट अलाउड, बराबर है कि नहीं है। अब सेक्शन नंबर 21 को पढ़ते हैं एक बार। ये बोल रहा है व्हेन डज द लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट्स, तो सेक्शन नंबर 21 बोल रहा है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। सेक्शन नंबर 21 पे फोकस करेंगे अभी। इट सेज क्या जो है वो उसका इफेक्ट होने वाला है। तो उन्होंने बोला अगर आपको बीच में कोई भी न्यू प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ऐड करना है या सब्स्टिट्यूट करनी है, अदला बदली करनी है, बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड व्हेन ही वाज मेड द पार्टी, तो सूट इस तरीके से लगेगी जैसे कि हमने वो सूट इंस्टीट्यूट तब की थी जब वो पार्टीज बनाए गए थे। बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड व्हेन ही वाज मेड पार्टी प्रोवाइडेड कोर्ट सैटिस्फाइड है, कोर्ट सैटिस्फाइड ओमिशन मेड ड्यू टू मिस्टेक इन गुड फेथ। आप कोर्ट को ये सैटिस्फाई कर दीजिए दैट दैट मिस्टेक वाज मेड इन गुड फेथ, यू डिड नॉट डू इट इंटेंशनली। और देखो ये कहां अप्लाई नहीं होता, सेक्शन नंबर 21 कहां अप्लाई नहीं होता, अगर पार्टीज को ऐड या सब्स्टिट्यूट कर रखा है असाइनमेंट के द्वारा ड्यू टू द डिवोल्यूशन ऑफ द इंटरेस्ट, एंड नेक्स्ट इज व्हेन प्लेंटिफ मेड डिफेंडेंट और डिफेंडेंट मेड प्लेंटिफ, दैट इज टू से ये ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा है। पार्टीज को अगर ट्रांसपोर्ट किया, हमारा सेक्शन नंबर 21 वहां अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन नंबर 22 कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और टॉर्ट्स, तो जब जब आप कंटिन्यूइंग ब्रीच कर रहे हो तब तब एक नया क्लाइम लिमिट या मैं कहूं लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगिंस टू रन एवरी मोमेंट जब वो ब्रीच हो रहा है। सेक्शन नंबर 23 जो बोल रहा है कॉम्पनसेशन फॉर एक्ट नॉट एक्शनेबल विदाउट डैमेजेस, जब आपने बोल दिया है कि ये पर्टिकुलर डैमेज हम तभी क्लेम करेंगे व्हेन देयर आर स्पेशल डैमेजेस, देन वो कॉम्पनसेशन की सूट कब लगेगी, ओनली वेन द इंजरी रिजल्ट, जब वहां वाकई में इंजरी हो सिर्फ तभी होने वाला है। सेक्शन नंबर 27 जो बोल रहा है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशनड इन इंस्ट्रूमेंट, जब हमको टाइम पीरियड दे रखा है एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट तो टाइम पीरियड शुरू कैसे होने वाला, तो सिंपल सी बात है अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आने की उम्मीद कम होती है बट यू नेवर नो व्हेन योर एग्जामिनेशन अथॉरिटी माइट ट्विस्ट सर्टेन थिंग्स एंड आस्क ओनली एंड ओनली फैक्चुअल बेस्ड थिंग्स और प्रोबेबली द कॉन्सेप्चुअल थिंग्स ऑल्सो। ओके नेक्स्ट देखो सेक्शन नंबर 18 की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 18। 18 के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ऑप्शन पढ़ लेंगे उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे। इस पर्टिकुलर सेक्शन का स्टूडेंट्स कनेक्शन बहुत सारे सेक्शन से बैठता है बिकॉज ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी की बात कर रहा है, हम अपनी लाइबिलिटी एक्नॉलेज कर रहे हैं दैट लिसन ब्रदर नाउ यू आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग फ्रॉम अस बिकॉज वी हैव एडमिटेड आवर लाइबिलिटी एंड दिस वॉज इट जो हमें आपको देना था। तो ये बोल रहा है कौन सी चीज करेक्ट है, एक्नॉलेजमेंट कैन नॉट बी अनडेटेड, एक्नॉलेजमेंट कैन बी मेड बाय अ पर्सन other than person who is entitled to the property, acknowledgement need not be in writing or acknowledgement can be made after the expiry of period of limitation, kya acknowledgement tab ho sakta hai ya acknowledgement wo person bhi kar sakta hai us person ke behalf pe bhi koi kar sakta hai, dekho section number 18 kya kehta hai, it says before the expiry of period of limitation, matlab option number d cut ho gaya because limitation period ke rehte rehte agar koi acknowledgement kar de in writing, title khud bolta hai ki acknowledgement writing mein hona chahiye for suits and applications in respect of property or right in writing signed by the party against whom the claim is made, to fresh limitation period wahan se start hoga jis din aapne apni liability ko acknowledge kiya hai, matlab naya limitation period yahan pe start ho jayega। second subsection bola agar application dated nahi hai to oral evidence may be given at the time when it was so signed, लेकिन नो ओरल एविडेंस एज टू इट्स कॉन्टेंट, उसके कॉन्टेंट के रिगार्डिंग हम कोई भी स्टूडेंट ओरल एविडेंस यहाँ पे नहीं देने वाले हैं। तो व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज बी बिकॉज अनडेटेड नहीं हो सकता, डेट चाहिए हमको, ये राइटिंग में होना ही होना चाहिए जो कि हमारा पर्टिकुलर वो सेक्शन बोल रहा है, हेडिंग बोल रहा है, इन्होंने बोला नॉट राइटिंग तो गलत हो जाता है एंड इट कैन नेवर बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इट हैज टू ऑलवेज बी विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 इट सेज under section 18 of limitation act fresh period of limitation has to be computed from the date of, kab se fresh period of limitation start karenge students hum, the fresh period of limitation has to be computed from the date of first expiry of half of the extended period of limitation, delivering of acknowledgement, signing of the acknowledgement or expiry of the initial period of the limitation। so basically kab se hota hai, jis din aapne acknowledgement
साइन कर दिया है उस दिन से हम बोलेंगे कि नाउ द फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगिंस। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, देखो बोल रहा है पार्ट टू ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। सो बेसिकली दिस इज नॉट आस्किंग अबाउट द स्केड्यूल, दिस इज आस्किंग अबाउट द सेक्शंस, दैट इज टू से इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आया है। इट डील्स विद द लिमिटेशन ऑफ सूट्स अपील्स एंड एप्लीकेशन ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आप हेडिंग देखेंगे, अभी हमने देखा स्टूडेंट्स, अगर हम अपना ये चार्ट पे वापस आए विच इज स्पेसिफिकली दिस वन, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आया है। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि स्केड्यूल आ चुका है ना, इट इज आस्किंग अबाउट पार्ट नंबर टू, दैट इज लिमिटेशन ऑफ सूट अपील एप्लीकेशन, तीनों के बारे में बात करता है। ओके चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटेशन एक्ट अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड। लिमिटेशन एक्ट के लिए हम किस दिन मान लेंगे कि हमारी सूट इंस्टीट्यूट हुई है? इन ऑर्डिनरी केस व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। नेक्स्ट बोला है इन केस द पॉपर, इन केस ऑफ पॉपर व्हेन द एप्लीकेशन फॉर लीव टू स्यू एज अ पॉपर इज मेड, राइट। इन केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी व्हिच इज बीइंग वाउंड अप बाय द कोर्ट व्हेन द रिक्लेमेंट फर्स्ट सेंड्स इट्स क्लेम टू द लिक्विडेटर्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टूडेंट्स? सारी की सारी चीजें करेक्ट है। ऑर्डिनरी केस में जब आपने प्लेंट प्रेजेंट कर दी, पॉपर के मामले में जब आपने फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन डाला टू गेट द परमिशन टू स्यू एज अ पॉपर, एंड थर्ड इज जब आपने क्लेम किया है किस पर, कंपनी के अगेंस्ट, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर को जिस दिन आपने अपनी कंप्लेंट्स या मैं कहूं कि एप्लीकेशंस भेजी हैं टू क्लेम दैट पर्टिकुलर लाइबिलिटी जो सामने वाली पर्सन की बन रही है, देन ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो फटाफट से रिवाइज करेंगे हमारा सेक्शन नंबर 3 जो कहता है बार ऑफ लिमिटेशन, किस पर बार लगा रहा स्टूडेंट्स? लिमिटेशन, दैट इज नाउ योर पीरियड ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस और मैटर गेटिंग एंटरटेन्ड इज फिनिश्ड। तो सेक्शन नंबर 3 सब पे अप्लाई होता है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, सेक्शन नंबर 3 सब पर समान रूप से अप्लाई होता है, चाहे वो सूट्स हैं, अपील्स हैं या एप्लीकेशंस हैं। तो फर्स्ट बोल रहा है एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, एवरी अपील व्हिच इज प्रेफर्ड, एवरी एप्लीकेशन व्हिच इज मेड। सूट के लिए वर्ड होता है इंस्टीट्यूटेड, अपील के लिए वर्ड होता है प्रेफर्ड, एप्लीकेशन के लिए वर्ड होता है मेड। आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड शैल बी डिसमिस्ड, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डिसमिस कर दिया जाएगा। ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट एज डिफेंस, भले लिमिटेशन को हमने एज अ डिफेंस सेटअप नहीं कर रखा है। लिमिटेशन स्टार्ट कब होता है, ये आया है आपके इस पॉइंट से क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर ए से क्वेश्चन आया है जो बोलता है ऑर्डिनरी केस में जब सूट इंस्टीट्यूट हुई है, ऑर्डिनरी केस में जब सूट इंस्टीट्यूट हुई है तो किस दिन मानेंगे हमारी सूट इंस्टीट्यूट हो चुकी है? व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू प्रॉपर कोर्ट। प्रॉपर कोर्ट का मतलब ही ये हो गया ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। सेकंड क्या बोला, इन केस ऑफ पॉपर फॉर व्हेन एप्लीकेशन फॉर लीव टू स्यू एज अ पॉपर इज मेड, व्हेन एप्लीकेशन टू स्यू एज अ पॉपर इज मेड। थर्ड बोल रहा है क्लेम अगेंस्ट कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट कोई क्लेम कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स, कंपनी के अगेंस्ट हम कोई क्लेम कर रहे हैं, तो व्हेन द क्लेमेंट फर्स्ट सेंड्स द क्लेम टू ऑफिशियल लिक्विडेटर, जिस दिन पहली दफा ऑफिशियल लिक्विडेटर को क्लेम भेजा है उस दिन हम बोलेंगे कि सूट इंस्टीट्यूट हुई है। पॉइंट बी देखो, सेपरेट सूट्स इंस्टीट्यूटेड सेट ऑफ के मामले में सेम डेट, जिस दिन आपने सेम डेट जिस दिन आपने सूट फाइल किया उसी दिन मानेंगे कि आपने सेट ऑफ भी प्लीड कर दिया है। एंड काउंटर क्लेम के लिए व्हेन द काउंटर क्लेम इज मेड, जिस दिन काउंटर क्लेम किया है उस दिन माना जाएगा कि आपने एक्चुअली काउंटर क्लेम किया। ऐसा नहीं कि इस सूट में हमने काउंटर क्लेम मांगा था तो इस पर्टिकुलर सूट वाली ही डेट यहां मानी जाएगी, नहीं। दैट इज ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ व्हाट, दैट इज ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ स्टूडेंट्स हमारा सेट ऑफ, काउंटर क्लेम में ऐसा नहीं है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इट सेज व्हेन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन expires on a day when the court is closed, section number 4 की बात कर रहा है, the suit appeal and application shall be instituted or preferred or made। किस दिन हमारी suit institute होगी, appeal prefer की जाएगी या फिर application बनाई जाएगी students? simple सा चीज है, जब आपका court वापस से reopen होता है। on the day when the court reopens, one day before the court is closed or within 10 days after the court reopens or within a reasonable time, it is when your court reopens, clear है? रिवाइज करेंगे सेक्शन नंबर 4 को भी। सेक्शन नंबर 4 ने बोला एक्सपायरी व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड, तो ये किस दिन होगा? व्हेन द कोर्ट रीओपन्स। इसमें ये भी बता रखा है कि क्या माना जाएगा, व्हाट विल बी डीम्ड टू बी द टाइम व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड, दैट मींस व्हाट, नॉर्मल वर्किंग आवर्स, जिस दिन वो काम करते हैं उस दिन बंद रहेगा तो हम बोलेंगे कि बंद है कोर्ट, क्लियर है? सेक्शन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट जो बोलता है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम।
सिंपल सा इन्होंने कॉन्सेप्ट निकाल के दिया है दैट सूट्स एंड एप्लीकेशंस, सूट्स एंड एप्लीकेशंस पे अप्लाई होता है। एक बार टाइम रन करना शुरू हुआ इट्स लाइक शताब्दी एक्सप्रेस की, इसको कोई नहीं रोक सकता है। नो फर्दर डिसेबिलिटी, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी कैन स्टॉप द टाइम फ्रॉम रनिंग इट। क्लियर? सेक्शन नंबर 5 फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है जो ये पूछ रहा है, ये किस पे अप्लाई नहीं होता है, ये किस पे अप्लाई नहीं होता है स्टूडेंट्स हमारा, ये पर्टिकुलर सेक्शन दैट इज सूट्स पे अप्लाई नहीं होता है। एंड एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग दैट इज अंडर योर ऑर्डर नंबर 21 की एप्लीकेशंस पर भी ये अप्लाई नहीं होता है। क्लियर है? चलिए अब देखो क्या पूछा गया। विच सेक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट प्रिस्क्राइब्स दैट इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील और रिविजन और फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेंट ऑफ वॉज प्रोनाउंस्ड एंड द टाइम रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिक्री सेंटेंस और ऑर्डर अपील फ्रॉम और सॉट टू बी रिवाइज और रिव्यूड शैल बी एक्सक्लूडेड। तो इन्होंने ये बोला, ये सारी चीजें कहाँ एक्सक्लूड करने को बोला है हमें। वी ऑल नो दैट अगर कोई इंजंक्शन लगा, इंजंक्शन दैट इज टू से स्टे ऑर्डर आया है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर जब तक लगा हुआ है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता है, तब तक का हमारा लिमिटेशन पीरियड रुक जाता है। सेम इन केस अगर आपको स्टूडेंट्स कोई भी अपील के लिए परमिशन चाहिए, रिविजन के लिए परमिशन चाहिए, जजमेंट का रिव्यू कराना है, तो जिस दिन आपने द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेंट ऑफ वाज प्रोनाउंस, तो जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस करा गया है, उतना टाइम जितना कि हमें डिक्री लेने में या उस पर्टिकुलर डिक्री सेंटेंस या ऑर्डर की कॉपी लेने में टाइम लगा है, वो सब क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। एंड विच सेक्शन सेज दिस, इट इज अंडर सेक्शन नंबर 12। बराबर है क्या? इट इज योर सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 के साथ साथ आपको पढ़ना चाहिए सेक्शन नंबर 15। क्यों पढ़ना चाहिए? देखो 12 में हमारा टाइम पीरियड तो एक्सक्लूड करके दिया है, ये देखो ये रहा हमारा सेक्शन नंबर 12, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी तो पता हो कौन कौन सा टाइम हमें एक्सक्लूड करना है, लिमिटेशन पीरियड में इंक्लूड नहीं रखना है। इट सेज डे फ्रॉम विच पीरियड इज टू बी रेकॉर्ड, ये भी आपका सीआरपीसी भी कहता है कि जिस दिन से आपका एक्चुअल टाइम पीरियड कम्यूट होना चाहिए वो आप क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, एक्सक्लूड कर दीजिए। कोई भी रिव्यू है, एप्लीकेशन है, रिविजन है, वो सारा टाइम पीरियड, अगर आपको जजमेंट का अपील करना है, रिव्यू करना है, रिविजन करना है, तो जिस दिन जजमेंट दिया गया जितना आपको टाइम लगा उस डिक्री या ऑर्डर या सेंटेंस की कॉपी लेने में, वो एक्सक्लूड कीजिए। लिमिटेशन अगर अपील रिव्यू एंड रिविजन ऑफ डिक्री या ऑर्डर हो रहा है, या फिर लिमिटेशन टू सेट असाइड अवार्ड की एप्लीकेशन अगर आप फाइल करते हैं, तो जितना टाइम आपको उस अवार्ड की कॉपी लेने में लगा हो, ये सब क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, एक्सक्लूड हो जाता है। सेक्शन नंबर 15 को देखो, इट सेज कोई भी सूट है, एप्लीकेशन है, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री व्हिच हैज बीन स्टेड बाय इंजंक्शन और ऑर्डर, देन दैट केस आपको ये सारी चीजें एक्सक्लूड करनी है, दैट इज जितने टाइम तक वो इंजंक्शन या ऑर्डर कंटिन्यू था, द डे ऑन विच इट वॉज इशूड, जिस दिन वो पर्टिकुलर डे पे वो पर्टिकुलर ऑर्डर या मैं कहूं डिक्री बनाई गई थी उस दिन, डे ऑन विच इट वॉज एंड इट वॉज विथड्रॉन, जिस दिन वो विथड्रॉ किया गया वो पर्टिकुलर इंजंक्शन या ऑर्डर, वो सब हमें एक्सक्लूड करना है। मतलब ये सब लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, एनी सूट फॉर विच द नोटिस हैज बीन गिवन और प्रीवियस कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। जब हम बोल रहे हैं कि डेफामेशन सेक्शन 199 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी कह रहा है दैट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एज द केस मे बी, कि आप क्या लेके आइए, परमिशन लेके आइए, तो जितना टाइम पीरियड तक वो सैंक्शन लेने में या कंसेंट लेने में टाइम पीरियड लगा वो, जब हमने एप्लीकेशन बनाई वो, एंड द डेट ऑन विच द ऑर्डर वॉज रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एज टू एनीथिंग, वो सब एक्सक्लूड होगा। थर्ड बोल रहा है सूट्स और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री बाय एनी रिसीवर और इंटरिम रिसीवर अपॉइंटेड बाय अपॉइंटेड इन प्रोसीडिंग और बाय लिक्विडेटर अपॉइंटेड। अगर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री रिसीवर के थ्रू होनी है, इंटरिम रिसीवर या लिक्विडेटर के थ्रू होनी है, तो पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग एंडिंग विद द एक्सपायरी ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस दिन इनका अपॉइंटमेंट हुआ है उसके 3 महीने बाद जो टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, वहां तक सूट इंस्टीट्यूट करने से लेके वहां तक के पीरियड को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम एक्सक्लूड कर देंगे। पॉइंट 4 बोल रहा है सूट फॉर पोजेशन बाय अ परचेजर एट अ सेल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। सूट कौन फाइल कर रहा है? पोजेशन। सूट फॉर, सॉरी कौन नहीं, किस चीज के लिए फाइल की जा रही है? पोजेशन के लिए फाइल की जा रही है। किसके द्वारा? परचेजर के द्वारा। फॉर वॉट? एट अ सेल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो वो टाइम जिस ड्यूरिंग विच
पीरियड टू सेट असाइड द सेल हैज बीन प्रोसिक्यूटेड, ये टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा. एंड एनी टाइम जब तक हमारा डिफेंडेंट बाहर रहा है या फिर इंडिया की टेरिटरी से दूर रहा है, वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड हो जाएगा. क्लियर है? अगर इतनी चीजें क्लियर है तो इस क्लियर क्लियरिटी के क्लैरिटी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना कि हमको सेक्शन नंबर 12 और 15 को भूल के नहीं जाना है. अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है. इट सेज एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड. क्या वर्ड बोला? बोनाफाइड. आप किसी और ज्यूरिसडिक्शन में वो पर्टिकुलर मामला चला रहे हैं इन अ कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन स्टिपुलेटेड अंडर. ऑब्वियसली बात है सेक्शन नंबर 14 है, तो इसी बात पर सेक्शन नंबर 14 का रिविजन हो जाएगा. पहले तो ये अच्छे से देखो ये सेक्शन कहना क्या चाहता है. ये सेक्शन कहना चाहता है कि आपकी जो प्रोसीडिंग है वो बोनाफाइड है. एंड बोनाफाइड मतलब विदाउट ए मैलिफाइड इंटेंशन. आपने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, बट ऐसा गलती से हो रहा है. विदाउट कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन, बिना कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अगर ऐसा हुआ है तो सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि अगर कोई भी ऐसी सूट है जो कि आपने बोनाफाइडली विदाउट ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर दी, देन द टाइम पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द प्लेंटिफ वाज प्रोसिक्यूटिंग, वो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्सक्लूड हो जाएगा. वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा. विद ड्यू डिलिजेंस था एंड सेम मैटर एंड इशू है, गुड फेथ में आपने फाइल किया है और कोर्ट अनेबल है टू एंटरटेन ड्यू टू डिफेक्ट इन ज्यूरिसडिक्शन. बिकॉज कोर्ट अपने आप को सक्षम नहीं समझ रहा है दैट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन दिस कैन बी टेरिटोरियल, दिस कैन बी सब्जेक्ट मैटर, दिस कैन बी पेक्यूनरी, कोर्ट वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर देगा बिकॉज आप बोनाफाइडली एक पर्टिकुलर कोर्ट में उस प्रोसीडिंग को चला रहे थे. तो पहला सबसेक्शन अप्लाई होता है सूट्स पे, सेकंड सबसेक्शन अप्लाई होता है एप्लीकेशंस पे, एंड थर्ड बोल रहा है सबसेक्शन 3 विल अप्लाई इफ ऑर्डर नंबर 23 रूल नंबर 1 के तहत फ्रेश सूट आपने इंस्टीट्यूट की है तो भी, ठीक है, प्रोवाइडेड कि आपने वहां कोर्ट की परमिशन ली है. क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या बोल रहा है. इट सेज इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड. सेट असाइड एन अवार्ड की बात कर रहा है, मतलब स्टूडेंट्स सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 15 को लेके इनके सब सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछते हैं. कहां से क्वेश्चन पूछते हैं? सब सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछते हैं. द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ अवार्ड शैल बी एक्सक्लूडेड. टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन कौन से सेक्शन के तहत? 12 का सब सेक्शन 4 के तहत. क्लियर है? 12 हम रिवाइज कर चुके हैं, 14 भी हम लगभग देख चुके हैं, सॉरी 15 देख चुके हैं एंड 14 भी देख लिया है. बोनाफाइड विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, 15 लीगल प्रोसीडिंग्स के मामले में बोल रहा है, 12 किसके बारे में, सॉरी 12 किसके बारे में बोल रहा है, लीगल प्रोसीडिंग के बारे में बोल रहा है, और 15 देखो बोल रहा है इन अदर केसेस. अदर केसेस में टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करने की बात हमारा सेक्शन नंबर 15 करता है. क्वेश्चन नंबर 18, वेयर वंस द टाइम हैज बिगिन टू रन नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन स्टॉप्स इट. कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी या इनएबिलिटी उसको रोक नहीं सकती है. कहां दे रखा है? इट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 9. क्लियर है? इट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 9. नेक्स्ट सेक्शन नंबर 18 डील्स विद. इतने अच्छे और लड्डू सवाल आ जाए तो शायद आप खुश भी हो जाएंगे कि हाँ जी मैम पेपर अच्छा गया है. लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जहां पेपर बहुत इजी आ जाता है या हम कहें कि जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, वहां थोड़ा कॉम्पिटिशन कम रहता है एंड चांसेस ऑफ नॉट गेटिंग सिलेक्टेड बाय अ स्टूडियस स्टूडेंट थोड़ा कम हो जाता है. वैसे ऐसा बहुत ग्रे एरिया रहता है जहां से आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, और अगर हम उन क्वेश्चंस को तैयार ही ना करके जाए तो फिर जाहिर सी बात है कि हम लोग काफी अपने मार्क्स लाने का जो स्कोप है वो गिव अप कर रहे हैं. तो हर वो चीज जो हर स्टूडेंट पढ़ेगा और हर स्टूडेंट को समझ आ जाती है वो तो आम सी बात है, वो तो कोई भी कर लेगा. बट इफ यू रियली वॉन्ट टू स्कोर मोर देन अदर्स, देन यू हैव टू कीप अ गुड कमांड ऑन ऑल दोज थिंग्स जो कि हर स्टूडेंट बाई डिफॉल्ट क्या करता है, इग्नोर कर देता है. ओके जी, सो सेक्शन नंबर 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट किससे डील करता है? इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और इंटरेस्ट ऑन लेगेसी, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग. ओके, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट पेमेंट बाय अनदर पर्सन, नहीं, ये किसकी बात करता है स्टूडेंट्स? 18 में बोल रखा अगर हमने राइटिंग में ऐसा एक्नॉलेजमेंट कर दिया है देन इन दैट केस आपका फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, क्लियर है? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 20 किसकी बात कर रहा है ये देखो. इट सेज In terms of Section Number 3 of Limitation Act, the court is required to consider the question of limitation. The court is required to consider the question of limitation. When an object on that point is made by the defendant, only if it is not contested by the defendant,
इफ एन इशू इज फ्रेम्ड इन दैट रिगार्ड, तो क्या कोर्ट को इन सारी चीजों के लिए रुकना पड़ेगा क्या? नहीं, वो सो मोटो भी सेक्शन नंबर 3 में कॉग्निजेंस ले सकते हैं, दैट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, हम आपके मैटर को एंटरटेन नहीं करेंगे, कोर्ट खुद से भी ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सेक्शन नंबर 14 कैन बी इन्वोक्ड फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ टाइम, राइट? यस और नो? सेक्शन नंबर 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट को हम यूज कर सकते हैं फॉर एक्सक्लूजन ऑफ टाइम, एब्सोल्युटली. कब? व्हेन द फर्स्ट सूट इज विथड्रॉन अंडर ऑर्डर नंबर 23 रूल 1 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ऑन द ग्राउंड ऑफ टेक्निकल और फॉर्मल डिफेक्ट, राइट? यस और नो? एब्सोल्युटली. सेक्शन नंबर 14 में जो टाइम पीरियड दे रखा है वो कब एक्सक्लूड हो पाएगा? जब आपकी सूट को विड्रॉ कर लिया गया है अंडर ऑर्डर नंबर 23 ऑन द ग्राउंड्स कि वहां पे कोई फॉर्मल डिफेक्ट है. अब आपको न्यू सूट फाइल करनी है, टेक द परमिशन ऑफ द कोर्ट. वेयर देयर इज अ डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट, फर्स्ट सूट वाज डिसमिस्ड ऑन मेरिट, फर्स्ट सूट इज डिसमिस्ड इन डिफॉल्ट. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्लियर है? चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21, जो ये बोल रहा है दैट वेदर अ काउंटर क्लेम बाय अ डिफेंडेंट इन अ पेंडिंग सूट इज गवर्न्ड बाय लिमिटेशन लॉ, यस और नो? ऑब्वियसली यस, एब्सोल्युटली. सेक्शन नंबर 3 से लेके 5 तक अच्छे से पढ़ो तो हमें क्लियर कट चीजें दिखती है स्टूडेंट्स. दैट इज काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट इन अ पेंडिंग पेंडिंग सूट, स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 3. सो इट इज इट गवर्न्ड? यस, इट इज गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन. नो, इज नॉट गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन. लिमिटेशन डज नॉट मैटर व्हेन द प्लेंटिफ फाइल्ड वाज नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन. एंड डी बोल रहा है लिमिटेशन डज नॉट मैटर when the written statement to the plaint was filed within the time granted by the court. So option number 1 is A correct. A correct hai question number 21 ka. Seedhi si baat hai, period of limitation ki baat kar rahe hain aur aap khud bol rahe ho that yahan pe pending suit mein kya counter claim ka particular jo defendant hai agar counter claim karta hai तो क्या ये अलाउड है? यस, सेक्शन नंबर 3 खुद अलाउ करता है. तो इतना सारा जो बाकी ऑप्शंस है वो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज बनाने के लिए ही दिए जाते हैं. ओके, चलिए जी आगे चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. इट सेज प्लेंट फाइल्ड द नेक्स्ट डे, प्लेंट फाइल्ड नेक्स्ट डे आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल नॉट बी बार्ड बाय टाइम. कब तक वो बिना टाइम के बार नहीं की जाएगी? दैट इज टू से विदाउट रीजनेबल ग्राउंड बार नहीं की जाएगी. इफ द प्लेंटिफ वॉज आउटसाइड इंडिया ऑन द लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन, इफ द प्लेंटिफ वॉज अनवेल एंड सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर ऑन द लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन, if the court was closed and half an hour on the last day of limitation. So next day after period of limitation will, after period of limitation will not be barred by time. So plaint, अगर हमने कब फाइल किए स्टूडेंट्स, पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अगले दिन फाइल की है तो वो बार्ड नहीं हो जाएगी, क्योंकि जिस दिन हम फाइल कर रहे थे उस दिन कोर्ट कोर्ट क्लोज था आधे घंटे के लिए भी. तो क्या पता हम वो आधे घंटे के लिए आए हो, हम आधे घंटे के अंदर आ गए और आप थे नहीं वहां. Then in that case, students, वो पर्टिकुलर जो प्लेंट है जो हमने अगले दिन फाइल की है वो बार नहीं हो जाती, मतलब दैट इज लायबल टू बी एंटरटेन्ड. डी ऑप्शन देखो, इफ द एडवोकेट ऑफ द प्लेंटिफ फॉरगॉट द टू फाइल द प्लेंट ऑन द लास्ट डे ऑफ द लिमिटेशन, तो आपकी गलती है वकील साहब. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23, इट सेज व्हाट इज द पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर फाइलिंग अ सूट बाय अ मॉर्टगेजी फॉर फोरक्लोजर रेकंड फ्रॉम द डेट व्हेन द मनी सिक्योर्ड बाय द मॉर्गेज बिकम्स ड्यू. मैंने आपको क्लियर कट बोला था, जब जब मॉर्गेज का सवाल आए स्टूडेंट्स, चाहे वो फोरक्लोजर का आए चाहे वो रिडेम्पशन का आए, हमें क्या करना है? हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्लियर कट 30 डेज होगा. क्या होगा? 30 डेज होगा. वर्ड मॉर्गेज दिखते ही आपको 30 डेज पे मार्क करना है, ये भी ध्यान रखना, फोरक्लोजर रिडेम्पशन स्पेसिफिकली हो. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इट सेज लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट बाय अ श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर वुड बी 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ विच. देखो हमें पता है श्योरिटी आ गई, गारंटी आ गई एंड प्रिंसिपल डेटर आ गया, तीनों पार्टीज आ गई. मतलब क्या? मतलब ये है हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. क्या है? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है. एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के मामले में, इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ही मामले में अकाउंट्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, डिक्लेरेशंस हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हैं, हमें पता है कि इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 3 इयर्स. लेकिन इन्होंने कमाल की बात ये कर दी, आपसे पूछा कि डेट ऑफ 3 इयर्स स्टार्ट कहाँ से होगा. 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच अमाउंट बिकेम पेबल टू द क्रेडिटर, अमाउंट वॉज पेड बाय श्योरिटी टू द क्रेडिटर, द रिफ्यूजल बाय द प्रिंसिपल डेटर टू पे द अमाउंट ऑन नोटिस
being by the surety the date of demand by the creditor for payment, क्या बोला, for payment thereof to the debtor or the surety whichever is earlier. हमसे 3 years का limitation पूछा, it is always the amount paid by the surety to the creditor. सुनना, हुआ क्या है यहाँ पे, ये creditor था, इसने principal debtor को पैसा दिया, principal debtor के लिए surety देने कौन आया, एक S नाम का व्यक्ति आ गया. अब principal debtor failed to pay, तो surety ने creditor को pay कर दिया. तो now the surety steps into the shoes of creditor. हमारा surety creditor बन चुका है, अब यहाँ आ गया है. तो श्योरिटी सूट फाइल कर रहा है स्टूडेंट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर. तो ये कब से फाइल करेगा, जब से इसने पैसा दिया है क्रेडिटर को, द अमाउंट पेड बाय श्योरिटी टू द क्रेडिटर. लॉजिक क्या, आप डायग्राम बना के देख सकते हो इसको, उससे पहले कैसे डिमांड कर सकते हैं, नहीं, जिस दिन क्रेडिटर को पेबल हो गया उस दिन श्योरिटी डिमांड कर सकता है कि नहीं, बिकॉज श्योरिटी इज लाइबिलिटी अराइजेस टू प्रिंसिपल डेटर वेन ही फेल्स टू पे, वेन प्रिंसिपल डेटर फेल्स टू पे द अमाउंट टू द क्रेडिटर, तब हमारा श्योरिटी रोल में आता है. और श्योरिटी भी पैसा प्रिंसिपल डेटर से तभी मांग सकता है ना, व्हेन ही प्लेड द रोल ऑफ प्रिंसिपल डेटर, सॉरी हैज प्लेड द रोल ऑफ प्रिंसिपल डेटर टू क्रेडिटर. क्लियर है? सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 24. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच सेज व्हाट इज द प्रिस्क्राइब लिमिट लिमिटेशन पीरियड. लिमिटेशन पीरियड का प्रिस्क्राइब लिमिट क्या है फॉर फाइलिंग द सूट फॉर कॉम्पनसेशन ऑफ लिबल एंड स्लैंडर. लिबल एंड स्लैंडर के लिए टाइम पीरियड क्या दे रखा है, मतलब ये डेफामेशन फॉर द डेफोमेशन इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात कर रहे हैं. वर्ड सामने देखो ना, सूट फॉर कॉम्पनसेशन सूट वर्ड है, मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए फाइल कर रहे हैं, मतलब 1 year, बात खत्म, इट इज 1 year. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, अच्छे से देखो. इट सेज व्हाट इज द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सिविल सूट चैलेंजिंग द डिस्पोजिशन ऑफ प्लेंटिफ ऑन द ग्राउंड दैट द लैंड हैड बीन इलीगली एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट. कि लैंड जो है इलीगली गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर कर लिया गया है, जिधर गवर्नमेंट दिखे उधर 30 days, जहां गवर्नमेंट दिखे स्टूडेंट्स वहां 30 days टाइम पीरियड है. 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन, 3 years फ्रॉम डेट ऑफ डिस्पोजिशन, 12 years फ्रॉम डेट ऑफ पोजिशन, नन एज अ सूट इज नॉट मेंटेनेबल. क्लियर है, बराबर है, इज इट क्लियर. चलिए, लिमिटेशन फॉर क्लेमिंग कॉम्पनसेशन फॉर डेफामेशन इज, क्या बोला, लिमिटेशन फॉर फाइलिंग द कॉम्पनसेशन क्लेमिंग द कॉम्पनसेशन ऑफ द डेफामेशन इज, कितना टाइम पीरियड दे रखा है, हम क्लेम कर रहे हैं कॉम्पनसेशन. ठीक है, 3 years फ्रॉम द डेट वन द लिबल वॉज पब्लिश, मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात आ गई है. 3 years फ्रॉम डेट वन द लिबल कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ, नो, बात तो 1 year की है, बट 1 year वी नीड टू सी फ्रॉम वेन, 1 year from the date when the libel was published. Because बेटो देखो, जब publish होगा या लोग जब सुनेंगे देखेंगे तभी तो ना हम कहेंगे that third person ने वो सुन लिया है. And in law of defamation, we all know that it has to be in the eyes of third person, because a person always hold the reputation in the eyes of third person. Okay, 1 year from the date when the published libel comes to the knowledge of plaintiff, or from the date when the damage for which compensation claim is caused, whichever is earlier. No, it is 1 year from the date when the libel is published. Clear? Barabar, ab dekho. Limitation for suit for compensation for inducing a person to break a contract with the plaintiff. Agar humne usko bola ki listen brother, आप प्लेंटिव के साथ कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर लीजिए, यू आर इंड्यूसिंग दैट पर्सन, इन्होंने बोला कॉम्पनसेशन की डिमांड कर रहे हैं. सो बेसिकली लॉ ऑफ टॉर्ट्स आ जाता है यहाँ पे, इज 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ब्रीच, 3 years फ्रॉम डेट ऑफ ब्रीच, 3 years फ्रॉम डेट व्हेन द डैमेज कॉज्ड बाय द ब्रीच हैज अकर्ड, और 1 year फ्रॉम द डेट व्हेन द डैमेज कॉज्ड बाय द ब्रीच हैज अकर्ड. सिंपल सी चीज, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो आप 3 years मार्क नहीं कर देंगे ऐसे ही. इन्होंने बोला सूट किसके लिए फाइल कर रहे हैं, फॉर कॉम्पनसेशन, क्योंकि किसी पर्सन ने एक पर्सन को ब्रीच सॉरी इंड्यूस किया है वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए. सो इट इज ऑप्शन नंबर ए. क्लियर है, आगे देखो. इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट वंस द टाइम टाइम हैज बिगिन टू रन, एक बार टाइम पीरियड शुरू हो चुका है
तो वी ऑल नो सेक्शन नंबर 9 खुद बोलता है कि किसी भी प्रकार की सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी हमारे टाइम पीरियड को क्या नहीं कर देती, खत्म नहीं कर देती है, सॉरी जो आपका टाइम पीरियड है उसको पर्टिकुलर क्या नहीं करती, स्टॉप नहीं कर देती है, राइट मतलब जो भी आपकी घड़ी है उसको खत्म नहीं करेगी, उसको स्टॉप नहीं करेगी, दैट टाइम पीरियड विल स्टिल कंटिन्यू और विल कंटिन्यू टू रन. सो नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू इंस्टीट्यूट अ सूट स्टॉप्स. The number of public holidays and court holidays have to be excluded. A suit has to be filed to stop the time from running. A writ petition has to be filed to stop the said time from running. So option number A is absolutely correct. Clear? आगे चलेंगे. Delay in institution can be condoned under section number 5 of Limitation Act. लिमिटेशन एक्ट में, लिमिटेशन एक्ट के तहत सेक्शन नंबर 5 जो है उसमें हम बिल्कुल बोल सकते हैं दैट प्लीज कंडोन आर डीले. लेकिन किस किस चीज के लिए? इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ अपील्स एंड एप्लीकेशंस, इन रिस्पेक्ट ऑफ अपील्स और ओनली इन अबव द केसेस. अभी स्टूडेंट्स हम सेक्शन नंबर 3, 5 को ऑलरेडी डील कर चुके हैं, जो कि आपको स्पेसिफिकली एप्लीकेशन एंड नॉन एप्लीकेशन दोनों के बारे में बताता है. सो सेक्शन नंबर 5 के एक्सेप्शन एंड एप्लीकेशन दोनों अच्छे से पता होना चाहिए. सो क्लियर कट, इट इज अपील्स एंड एप्लीकेशंस दोनों के ऊपर ये अप्लाई होता है. मतलब दोनों का जो टाइम पीरियड है दैट कैन बी कंडोन्ड प्रोवाइडेड दैट वी सैटिस्फाई द कोर्ट दैट वी हैव जस्टिफिएबल ग्राउंड्स, वी हैड जेन्युइन रीजंस दैट व्हाई दैट पर्टिकुलर अपील और एप्लीकेशन कुड नॉट बी फाइल्ड विद इन द टाइम लिमिट गिवन बाय द लिमिटेशन एक्ट और द कंसर्न टाइम पीरियड ऑल्सो, दैट इज द कंसर्न एक्ट ऑल्सो. चलो जी, अब आते हैं हमारे पास कुछ टेक्निकल क्वेश्चन. अच्छे से देखो ये क्या कहता है. अ लिमिटेशन available in a law to A. The limitation available in a law to A for instituting a suit at Delhi for recovery of money against B is till 1st December 2018. A dies intestate on 1st November 2018. एक महीने पहले limitation period खत्म हो, उससे एक महीने पहले उसकी death हो जाती है, intestate death हो जाता है. Leaving a widow, an adult son, adult daughter and a minor son who immaculately inherit the entire estate of A. उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब इनहेरिट कर लेते हैं बराबर एक एक हिस्से में. नाउ हु कैन फाइल द सूट? द विडो एंड चिल्ड्रन और एनी ऑफ देम कैन ऑन और बिफोर 1st December 2018 इंस्टीट्यूट द सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी ओन्ड बाय बी टू ए. एब्सोल्युटली करेक्ट, यस और नो? फाइल कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ कि ना? बिल्कुल कर सकते हैं. आगे देखो, द विडो और चिल्ड्रन ऑफ ए और एनी ऑफ देम कैन इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी ओन्ड बाय बी टू ए विद इन 3 years. नो नो, फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं हो जाएगा उसके डेड होने से. द विडो और चिल्ड्रन ऑफ ए कैन इंस्टीट्यूट द सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी बाय ए टू ए विद इन बी टू ए विद इन 3 years फ्रॉम द डेट व्हेन द माइनर सन ऑफ ए अटेन्स. नो, नेवर. हमें उस माइनर के लिए रुकने की कहां जरूरत है, अगर बाकी सब तो मेजर है ना. The widow and children cannot institute a suit as the right to suit you be abates on his demise. No, death से students हमारा ये right क्या नहीं हो जाता, finish नहीं हो जाता if right to sue survives and we know the right to sue has survived. तो यहाँ पे जब right to sue survive हो चुका है तो limitation period अभी भी उन लोगों के लिए same ही रहेगा जो उनके husband के लिए था, जो इस widow के husband के लिए और वो children के father के लिए था. Moving on to question number 33, देखो क्या बोलता है. A has within the prescribed period of limitation sued B for recovery of debt owed by B to A. A within the prescribed period of limitation sued B. B को sue किया क्योंकि वो B से पैसे मांगता था, recovery चाहिए था उसे debt का. तो अब देखो, the suit remains pending. अभी भी suit pending है. After 9 years of institution of a suit, A assigns the debt for recovery of which the suit was filed to C. सी को असाइनमेंट कर दिया कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सॉरी सूट को क्या कीजिए, कंटिन्यू कीजिए. सी आफ्टर नियरली 1 year ऑफ असाइनमेंट अप्लाइज इन द सूट फॉर सब्स्टिट्यूशन इन प्लेस ऑफ ए. लगभग लगभग 1 साल तक वो असाइनमेंट के बाद उसने क्या किया, अप्लाइज इन द सूट, सूट में अप्लाई किया कि सब्स्टिट्यूट कीजिए ए की जगह उसको, इन सूट फॉर सब्स्टिट्यूशन इन प्लेस ऑफ ए. क्या उसको स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है? The application for substitution is barred by time limit. उसने substitution की application लगाई है. Application of the substitution does not lies as C is not the heir of the. Does it really matters for C to be A or A's heir?
C as an assignee of A has right to be substituted and no limitation is prescribed for seeking substitution. Absolutely correct. सब्सटीट्यूशन के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं बताया गया है, आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो उसको कि ए की जगह सी आ जाए, लेकिन ए की जगह बी और बी की जगह ए आ जाए ऐसा नहीं हो सकता, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टीज नहीं हो सकता. द सूट विल बी डिसमिस्ड एज ए हैज लॉस्ट द राइट टू रिकवर द लोन अमाउंट. सो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सब्सटीट्यूशन का कोई टाइम पीरियड नहीं रखा है, सब्सटीट्यूशन इज अलाउड बिकॉज एक पार्टी की जगह दूसरी पार्टी क्लेम कर सकती है. क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या बोला. ए ऑन 9th जनवरी 2015 agrees to sell his immobile property to B, right? And out of the total sale consideration of rupees 3 lakh, receives a sum of rupees 1 lakh from B as an advance payment and agrees to vacate and hand over the vacate full physical possession. A ने 9th जनवरी 2015 को क्या किया? ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स अच्छे से सॉल्व करने हैं. Agrees to sell immovable property to B. बोला B को मैं प्रॉपर्टी सेल करूंगा एंड आउट ऑफ द टोटल सेल कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 3 लाख रिसीव्स अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख फ्रॉम B. अभी B से 1 लाख रुपए ले लिया है, क्लियर है? B को बोला मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचूंगा आउट ऑफ द टोटल सेल कंसिडरेशन ऑफ 3 लाख. अभी उसने 1 लाख रिसीव कर लिया है एज एन एडवांस पेमेंट एंड एग्रीज टू वेकेट द प्रॉपर्टी एंड हैंड ओवर द वेकेंट पीसफुल पोजेशन देयर ऑफ टू बी एंड एग्जीक्यूट अ सेल डीड इन फेवर ऑफ बी ऑन द रिसीट ऑफ द जब बाकी का पेमेंट रिसीव हो जाएगा तो सेल डेट भी एग्जीक्यूट कर देगा. बी ऑन रिसीट ऑफ बैलेंस सेल कंसिडरेशन ऑन और बिफोर 9th जुलाई 2015. क्या बोला? 9th जुलाई. भैया अगले 6-7 महीने के अंदर अंदर आप ये पेमेंट दे देंगे, बचा हुआ तो हम सेल डेट एग्जीक्यूट कर देंगे. ए फेल्स टू वेकेट द प्रॉपर्टी और टू एग्जीक्यूट द सेल डेट. ए फेल हो गया स्टूडेंट्स, क्या बोला? ए फेल हो गया वो पर्टिकुलर अमाउंट देने में. ए फेल्स टू वेकेट द प्रॉपर्टी. अच्छा, ए फेल हो गया, दैट इज सेलर ही फेल हो चुका है प्रॉपर्टी को वेकेट करने में एंड सेल डीड एग्जीक्यूट करने में. अब बी के पास क्या रेमेडी बचती है? और टू डिलीवर पोजेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी. बी आफ्टर वेटिंग पेशेंटली टिल 31st जनवरी 2016, On 1st February 2016, got issued a legal notice to A to take balance sale consideration and execute the sale deed and deliver the vacant physical possession. B ने उसके बाद 31st January 2016 को क्या किया? एक suit file किया और बोला that please legal notice दिया, sorry उसको कि sale consideration जो बचा हुआ है वो please आप क्या कर दीजिए, ले लीजिए and जो हमें peaceful possession है वो दे दीजिए. A wired this reply, true reply receive हुआ by B on 17th February 2016. Denies the agreement. B ने deny कर दिया कि sorry ऐसा तो कोई agreement है ही नहीं. A wired his reply received by B on 16th. Sorry, A ने बोल दिया कि ऐसा तो कोई agreement हुआ ही नहीं है. A को ये receive कब हुआ? 17th February को. The limitation of 3 years available to B for instituting a suit for specific performance is. कितना limitation है students यहाँ पे? यहाँ पे कितना limitation और कब से limitation start हो जाता है? With effect from 9 January, with effect from 9 July 2015, with effect from 17 February 2016, or with effect from 1st February 2016. अच्छे से देखो, उसने टाइम पीरियड दिया था 9th जुलाई या 9th जुलाई से पहले, तो जो डेट डिसाइड की थी जिस दिन आपकी लाइबिलिटी अराइज होती है वहां से अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो दैट विल बी द कॉज ऑफ एक्शन. That day becomes the cause of the action और वहां से आपका limitation period शुरू होता है, that is 9th July 2015. 9 जुलाई 2015 से पहले या उस दिन तक बचा हुआ amount दे देता तब तो ऐसा कुछ नहीं होता. तो limitation period कब से शुरू होता है? अब आपने नोटिस कब दिया, कब पहुंचा, बट आपका cause of action कब arise हो चुका है? That is 9th July को. So यहाँ पे क्या रहेगा? With effect from 9 July 2015. Moving on to question number 35, it says a counter claim for the purpose of limitation act is deemed to have been instituted. To kisse aaya students? Question number 3 se, sorry, section number 3 se ye question aaya hai. On the same day as suit in which the counter claim is made or on the day on which the counter claim is made. Kis din hoga students? The day as the suit in which the counter claim has been made. भाई सेट ऑफ की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, जो हम सेट ऑफ वाला कॉन्सेप्ट डाल दे कि हाँ जिस दिन हमारी मेन सूट फाइल हुई थी उसी दिन हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे, सॉरी जिस दिन सेट ऑफ सॉरी जिस दिन हमारी मेन सूट फाइल हुई थी उसी दिन हम क्लेम कर लेंगे कि सेट ऑफ प्लीड हुआ है, ना. ऑन द डे ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड, क्लियरली सेक्शन नंबर 3. एंड क्लेम के मामले में भी ध्यान रखना,
क्लेम अगर किया जा रहा है तो आपने ऑफिशियल लिक्विडेटर को, इन वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपने क्लेम्स किस दिन भेजे हैं उस दिन माना जाएगा कि हमारी सूट यहाँ पे इंस्टीट्यूट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 36, द राइट टू एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट और एयर शैल बी एब्सोल्यूट एंड इनडिफिसिबल एब्सोल्यूटली, वेयर द एक्सेस एंड द यूज ऑफ लाइट और एयर और एंड फॉर एनी बिल्डिंग हैविंग बीइंग पीसफुली एंजॉयड एज एन इजमेंट एंड एज अ राइट ऑफ विदाउट इंटरप्शन इज फॉर, तो किसकी बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 25, 26 एंड 27, बेसिकली 25 की बात कर रहा है। दैट व्हेनेवर, ये देखो ये रहा हमारा चार्ट, दैट व्हेनेवर देयर इज एक्वायरिंग ऑफ इजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन इज कॉन्स्टेंटली एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यू आर एक्सरसाइजिंग योर राइट्स ओवर देयर एंड फॉर व्हाट, फॉर एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट एयर वे वाटर कोर्स और यूज ऑफ वाटर, देन इन दैट केस स्टूडेंट्स वो टाइम लिमिट कहां से स्टार्ट होता है? 20 ईयर्स। फॉर 20 ईयर्स ईजमेंट क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट एंड इनडिफिसिबल, प्रोवाइडेड कि आपने 20 ईयर्स तक के लिए इस तरीके से विदाउट इंटरप्शन पीसफुली ओपनली उस जगह को इंजॉय किया है फॉर 20 ईयर्स, आपका राइट बन जाता है, यू बिकम द ओनर बाय द पोजेशन, बाय द पोजेशन, क्लियर है? एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप को, टाइटल को आप क्या कर लेते हो? एक्वायर कर लेते हो। बट स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के मामले में दिस 20 ईयर्स गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय 30 ईयर्स, गवर्नमेंट के मामले में गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी 30 ईयर्स तक के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। सो सिंस आपको गवर्नमेंट के बारे में मेंशन नहीं कर रखा है, वी विल गो विद 20 ईयर्स, क्लियर है? 26 ने क्या बोला? एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्जनल ऑफ सर्वियंट टेनेंटमेंट, क्लियर। 27 में क्या बोला? एक्सटेंशन ऑफ द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपका सेक्शन नंबर 27 बोल रहा है दैट ये आपकी राइट और रेमेडी दोनों को एक्सटिंग्विश करता है, 26 क्या बोलता है? कोई भी लैंड है, वाटर है, विच जिसका इजमेंट एंजॉय कर रहे हैं किस वजह से? क्योंकि आपने कोई लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रखा है या फिर 3 साल तक के लिए आपको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्रिएट कर रखा है, 3 साल तक के लिए आपको प्रॉपर्टी दिया या बोला कि ये प्रॉपर्टी अपने पास रखी, और आप जब तक इस प्रॉपर्टी को रख रहे हैं उतने टाइम ड्यूरेशन में एक पर्टिकुलर अनबॉर्न पर्सन का अगर बर्थ हो जाता तो प्रॉपर्टी उसके पास जाएगी, तो लाइफ इंटरेस्ट किसी में आपने दिया है या फिर उस पर्सन को उस प्रॉपर्टी में इंजॉय करने का राइट दिया है 3 साल से ज्यादा, एक्सक्लूड सच पीरियड फ्रॉम 20 ईयर्स, वो 20 ईयर्स से वो टाइम पीरियड क्या कीजिए? एक्सक्लूड कीजिए जिस टाइम तक वो पर्टिकुलर इंजॉयमेंट का राइट कंटिन्यू हो रहा था, क्लियर है? अंडरस्टूड? सो दैट वाज योर सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 36। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे स्टूडेंट्स, अ सूट फाइल्ड ऑन द डे नेक्स्ट टू द लास्ट डेट ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग विल नॉट बी बार्ड बाय टाइम, क्या वो बार्ड होगा स्टूडेंट्स? अ सूट फाइल्ड ऑन द डे नेक्स्ट टू द लास्ट डे, मतलब सेम क्वेश्चन है, हम सूट फाइल कर रहे हैं अगले दिन, किस दिन? नेक्स्ट डे टू द लास्ट डे, लास्ट डे जो था स्टूडेंट्स उसके नेक्स्ट डे पे हम सूट फाइल कर रहे हैं, और जब नेक्स्ट डे पे सूट फाइल कर रहे हैं तो ये सूट बार नहीं होगी, मतलब स्टॉप नहीं होगी, कैंसिल नहीं किया जाएगा, मना नहीं किया जाएगा हमें सूट इंस्टीट्यूट करने से। क्यों? कौन से ग्राउंड पे? इफ द प्लेंटिफ वाज आउटसाइड इंडिया ऑन द लास्ट डे ऑफ द लिमिटेशन, if the plaintiff was unwell or suffering from the viral, same question repeat hua, if the court was closed for half an hour, to us din agar half an hour last day pe, ye beta last day pe agar hamara court closed tha to agar half hour ke liye bhi hua hai to bhi hum agle din agar ye suit institute karte hain to hamari wo suit ko bar nahi kiya jayega, that suit will be absolutely entertained। So, ये सारी चीजें थी जो कि आपको स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स लिमिटेशन एक्ट में ध्यान रखनी है। लिमिटेशन एक्ट में मैं फिर से बता दूं स्टूडेंट्स, स्केड्यूल अच्छे से ध्यान रखना है, सेक्शन नंबर 15 एंड 12 के सब सेक्शंस थोड़े अच्छे से ध्यान रखने हैं। स्केड्यूल एक एक टाइम पीरियड आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है जिससे चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई हो सकती है वो ध्यान रखना, एक टॉट्स के अंदर टाइम पीरियड को जरूर अच्छे से ध्यान रखना, बाकी चाहे हमारा सूट्स हो गया है, चाहे हमारी अपील हो गई है, चाहे हमारा एप्लीकेशन हो गया है, इन सारी ही चीजों में जो हमारा एग्जैक्ट टाइम पीरियड दे रखा है वो थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, बाकी टेली जुडिशियल सर्विसेज को लेके आपको डरने की जरूरत नहीं, स्पेसिफिकली फैक्चुअल क्वेश्चन को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सो यस, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेस सेशन, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन, वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन, टिल देन थैंक यू सो मच।